हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। आप कौन कबड्डी खेलते हैं? जी मेरा गेम कबड्डी है। हाँ। अच्छा, हम मतलब हमारे ग्राउंड पे 22-23 लड़के खेल लिए हैं और खेलने की सुविधा में मिल नहीं पा रही बिल्कुल। क्या सुविधा और चाहते हैं आप लोग? सुविधा नहीं है बिल्कुल भी और मिट भी वैसी है, मतलब खेल नहीं पाते उसमें सही से। मैट की सुविधा होनी चाहिए। और आपका क्या नाम बेटा? सुन लो, कबड्डी खेलती हूँ लेकिन हमने कहीं पर मैट की कह भी उन्होंने बात भी कर ली, पर कोई सही नहीं मैट। जब मुकाबला करने के लिए जब कहीं दूसरी टीमों से जाते हैं, ये जैसे स्टेट या नेशनल, हमारी टीम नेशनल इंटरनेशनल बच्चे खेल चुके हैं, उसके बाद यह हरा भरा नजारा मेरठ जिले की सरना तहसील के छुर गांव जाने वाले रास्ते का है। यहां पर महिला कबड्डी खिलाड़ियों से बेताब समाचार एक्सप्रेस ने बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। प्रिंट मीडिया के पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। नाम से वाकिफ नहीं है वरना इनका नाम लेकर इन्हें संबोधित किया जाता है। कोई ताकत कोई सरकार टक्कर ले नहीं सकती और कोई अन्याय की दीवार टक्कर ले नहीं सकती। रोज सच्चाई की खबर लिखते हैं ये कलम वाले, कलम की धार से तलवार टक्कर ले नहीं सकती। मैच का रुख पूरी तरह से छोड़ एक ही पक्ष में। किसी किसी को शौक होता है भाई ये म्यूजिक सा बजाने का, या शौक होता है। कलंदी टीम का कोई भी एक प्लेयर एक बार मेरे से संपर्क कर ले, कैप्टन एक बार संपर्क कर ले भाई। कलंदी रोहित कलंदी भाई, जो बात मैं मैच शुरू होने से पहले कही थी वो एक बार और दोहरा रहा हूँ भाई। अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कोई भी, पहली तो बात कोई विवाद है नहीं, हमें भी पता है इस चीज का, और जो प्लेयर हैं ये भी आपस में मिलकर खेलें और एक जगह खेलें भाई। अगले साल टूर्नामेंट हो तो एक साथ हो, बहुत ही दिल को खुशी होगी इस चीज की। धन्यवाद भाई। जी पहले तो अपना नाम बताएं। ओमकार जी। हाँ ओमकार जी, ये छुर गांव में जो आज कबड्डी का आयोजन किया गया है तो ये पहली बार हुआ या पहले से होता रहा? पहले से ही हो रहा, पीटी का पीटी होता है। हमारे यहाँ बहुत खिलाड़ी हुई है, मान्य हुई है, जो हर एक गांव घर में शील्ड पाओगी जो जीत के लिया है। तो हमारे यहाँ पहले से शौक है कबड्डी का, भिड़ने का, कुछ कहने का, तो यहाँ पहले से शौक है हमारे गाँव में। तो हमारा शील्ड बहुत घर के बहुत घर ऐसे हो जिसको सब में शील्ड है जो जीत के लिया क्योंकि यहाँ खेल चल रहा तो इसका शौक है, सारे गाँव का शौक है यहाँ कबड्डी खेलना का। इसका लोंडी हो लंगा हो तो सबको बराबर खेल है, सब इसका गांव में सहयोग करें। तो जैसे लड़कियों को कुछ जगह पर नहीं खेलने देते, लेकिन आपके गांव में ऐसा भेदभाव नहीं है? कोई नहीं बाहर खेलने खिला के लिया, मैंने बगल भी खेलने का। हरियाणा के महावीर ने अपनी बेटियों को दंगल में उतारा, उसके ऊपर एक
आमिर खान की दंगल फिल्म भी बनी है और बड़ा गौरव महसूस हुआ कि लड़कियां जो है किस तरह से दंगल ओलंपिक जीत के आई। तो आप आपने मतलब यहाँ लड़कियों को जो है पहले से ही ये मतलब छूट दे रखी है? हमारा खेल की छूट है, हम लोग पहले लंबे खेल लग रहे थे, लंजी भी खेलने लगे, बराबर खेल रहे, उसी जीत जीत के लोगों को अपने आसपास के इलाके वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी गलती भी हमें और काम में खेलने लड़की तो जो हमारे काम में खेलने हमें हमारे काम की उनके काम में खेलने पहले थे। खेल के प्रति सरकार का जो रवैया है, क्या जो सरकार का बजट है खेल के प्रति गांवों के जो ये प्रतिभाएं हैं वो आप उससे संतुष्ट हैं या बढ़ाया जाना चाहिए? खेल में तो सब है, खेल तो खेल के कारण तो नौकरी लगा देनी, नौकरी मिल जाएगी हो खेल से सरकार से सरकार से क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? जी क्या मदद कर रही? हाँ खेल वाले बच्चों की क्या मदद कर रही सरकार? तो क्या मांगना चाहते हैं आप सरकार से? क्या मांगना चाहे इन बच्चों की या पैसा दे प्रधान को, प्रधान ने दे और खिलावे करते हो हमारे हाथ करते करते नहीं आ रहे, याद करके हम जहाँ शिकायत भी करें तो एमएलपी का कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, याद करके करता होना चाहिए। हर योजना का पैसा प्रधान पे आवे है जी, अब भाई या बेवा है या जच्चा है। इस मैच की रेफरशिप डॉक्टर रविंदर सिंह और नवाब सिंह, इनका पैसा ये दोनों करेंगे भाई, मतलब प्रधान घसे का मैच होगा भाई। सरकार को खेल का पैसा प्रधानों के जरिए भेजना चाहिए, ये संदेश देना चाह रहे हैं आप? स्टेडियम में बनना चाहिए, यहाँ गाँव में स्टेडियम बनना चाहिए। खेल के बारे में तो खेल में तो हम चंदा बटला कर रहे हैं जी, जी करा ले काम को, तो आपके जो विधायक महोदय हैं कभी आपने इस बारे में इनसे बात की कि खेल के लिए कुछ गांवों में पैसा आवंटित किया जाए? कोई बात नहीं, पैसा अच्छा। हाँ हेलो, मैं डॉक्टर रविंदर सिंह, कबड्डी खिलाड़ी और छूर का बच्चों का कोच भी हूँ। और ऐसा है सरकार तो पैसा देती है बल्कि बीच वाले खा जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पहले हमने गद्दे की मांग की थी विधायक से, कोई यहाँ गद्दे नहीं आए और उनसे हमने पैसा मांगते हैं भाई बच्चों के लिए पैसा चाहिए, वो हाँ देखेंगे देंगे, आता नहीं है। हम अपनी मेहनत से तो वो कहाँ चला जाता है जो जैसे वहाँ से आता है वो पता नहीं कहाँ जाता है, बीच में जाता है कहाँ जाता है होगा और पता नहीं है कहाँ जाता है, तो बीच वाले खाते हैं, कौन खाता है क्या खाता है। हमने केवा ब्लॉक में भी गए, विधायक को भी कहा तो कोई बात सुनता नहीं। हाँ ये जो आयोजन करा रहे हैं आप सब गांव वाले मिलके करा रहे हैं भाई, दोनों टीमें बहुत जल्दी ही करके ग्राउंड में पहुंचे, समय इजाजत नहीं दे रहा, 50-60 हज़ार रुपया 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लेते हैं और हम आसपास के क्षेत्र के बाहर जिलों से भी हम कबड्डी के लिए प्लेयर को बुलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उनका खर्चा पानी उठाते हैं, तो शील्ड और इनाम भी सारे आगे 1100-1100 रुपए टीम को दिए क्या, और हम प्रति टीम को जो है उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ देते हैं। बच्चों के लिए अब मैट चाहिए, बच्चों के लिए मैट आना चाहिए, मैट कितने रुपए का आता है? 2.5-3 लाख रुपए का आता है। तो गांव का प्रधान क्या है ये मैट अपने प्रधान नीति से नहीं दे सकता? नहीं प्रधान क्या देगा, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, इसकी योजना अलग आती है, इसकी अलग आती है। तो खेल के लिए आता होगा ना कुछ, तो पैसा आता होगा, बालक परेशान है, ना तो स्टेडियम है बता दिया, ना गद्दा है, कुछ नहीं है, बालक ऐसी स्कूलों में खेल रहे हैं, ना स्टेडियम है ना कुछ है, खेलने के लिए जगह नहीं है, स्टेडियम नहीं है। स्कोर बोर्ड के सामने से थोड़ा सा इधर हो जाए, 17-14 है स्कोर, सिर्फ 3 की लीड है, लेकिन एकजुट होकर यहाँ पर फिर पतझड़ के पत्तों की तरह गिरने शुरू हो गए। सोरो की बजाना, सोरो की बजाना, कौन बजाएगा?
कहाँ चले जा? ये मैच आज का मुझे ऐसा लग रहा कि आखिरी मैच है। कल सुबह तो समझे आपको सबने बताई दी है, बहुत बढ़िया आखिरी मैच है। इसका मतलब ये पहले हाफ की समाप्ति लीड के साथ नहीं करेगी और ये कार हाथों से निकल जाएगी इनके। एक पॉइंट और दे दिया, पहले रेड में भी कामयाब हो रहे थे, टैकल में भी कामयाब हो रहे थे, अब दोनों विभाग कमजोर हो गए कालंदी के। सुपर टैकल हो, एक पॉइंट ये दे दिया और शर्त ये रखी थी कि अगर पहले हाफ में लीड के साथ कालंदी की टीम आगे बढ़ती है तो ये कार मिलेगी जो मुख्य गेट के सामने खड़ी है। और भाई एक और संयोग की बात है कि इस तरह के गांव बहुत ही कम मिलते हैं जहां पर एक जैसे मिले जुले से नाम है, इतना कालंद और कालंदी हमारे मुजफ्फरनगर में बसेड़ा बसेड़ी नजदीक नजदीक है। पहली रेड कालंदी के द्वारा। बोलो कुछ गाना चाह रहे हो? अगर मैं पूछ रही हूँ कौन सा चैनल है। अच्छा अब देख लिया आपने? और आप मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके हिसाब से खड़े होकर बताओ कबड्डी के मैदान पर खड़े हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने